पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियंस के बैनर तले आज भारी संख्या में रिफाइनरी के मजदूर मधुवन दत्त चतुर्वेदी एडवोकेट की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि रिफाइनरी के ठेकेदार वहां के मजदूरों से अवैध तरीके से धनवान सुनते हैं। जब इसकी शिकायत मजदूरों में अधिकारियों से की तो इससे गुस्साए ठेकेदार ने लगभग 200 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि हमें डरा धमका कर नौकरी से हटाने का झूठे आरोप लगाने की धमकी देकर हमसे हमारी तनख्वाह में से हर महीने आधी तनख्वाह जबरन वापस ले ली जाती है। यह खाते में तनख्वाह डालने के बाद हमसे वापस लेते हैं और ना देने पर हमारे गेट पास रोक लेते हैं। पिछले 5 सालों में लाखों रुपए इस तरह वे हमसे हमारी मजदूरी का फायदा उठाकर ले जा चुके हैं। नरेंद्र कुमार सरस्वत उर्फ नंदा व इंद्रदेव शर्मा ये वसूली यह कहकर करते हैं कि वे ये काम ठेकेदार मुकेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर कर रहे हैं, जिस पर अवैध वसूली से परेशान होकर हम कर्मचारियों ने फैसला किया और नवम्बर 2022 से पैसा लौटाना बंद कर दिया और अवैध वापसी की शिकायत दी तो ये लोग बौखला गए और 23 दिसंबर 2022 को 5 वर्कर के गेट पास छीन लिए थे तथा मारपीट की, जिसकी शिकायत रिफाइनरी थाने में की थी। उन लोगों ने राजीनामा कर दिया और अब 8 मार्च 2023 के बाद इन लोगों ने हमारे गेट पास रिन्यू नहीं करे और नामजद लोगों ने करीब 210 कर्मचारियों को निकाल दिया है। एसएसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। विषय ये है कि दशकों से मथुरा रिफाइनरी में इसको प्रथा का पालन हो रहा है कि जो मजदूरों को उसका मासिक वेतन मिलता है उसमें से 50 से 60% ज़बरदस्ती उनसे ठेकेदारों द्वारा, उनके सुपरवाइज़रों द्वारा और उसमें कुछ अधिकारियों की भी 60-गांठ बताई जाती है वापस ले लिया जाता है। ये विषय जब उठाया गया माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के समक्ष दिसंबर में, तो उन्होंने इस विषय को जांच के लिए श्रम विभाग को भेजा था। केंद्रीय श्रम आयुक्त के यहाँ इस विषय से ये निश्चित हुआ कि मामला श्रम कानूनों के उल्लंघन का न होकर के कानून व्यवस्था से संबंधित है और इस संबंध में 20 मार्च को केंद्रीय सहायक श्रमायुक्त झांसी ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा कि इस मामले को कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखते हुए कानूनी कदम उठाए जाएं। उस सिलसिले में आज हम मिले थे डीएम प्रशासन साहब से, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है। एसडीएम सदर साहब को उसकी जाँच सौंपी है, एसएसपी साहब के लिए भी उन्होंने पत्र लिखा है। आज हम अपनी प्राथमिकी लेकर के यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष आए हैं कि थाना रिफाइनरी में हमारा मुकदमा दर्ज कराया जाए एक्सटॉर्शन की धाराओं में। बताया जा रहा है नौकरी से निकाल दिए क्या है? जी, जिन लोगों ने ये शिकायतें की थी, करीब 210 करीब मजदूर हैं जिन्होंने सबसे पहले लिखित में इस बात की शिकायत करी थी कि रिफाइनरी में इस तरह का अत्याचार हो रहा है, इस तरह का अपराध हो रहा है और इस अपराध के जरिए प्रतिमाह लाखों रुपये काला धन सृजित हो रहा है। उन 210 संविदा श्रमिकों की सूची को मैनेजमेंट ने संबंधित ठेकेदारों तक पहुंचा दिया और संबंधित ठेकेदारों द्वारा श्रम कानूनों का बिल्कुल उल्लंघन करते हुए बिना किसी को कोई नोटिस दिए, बिना किसी को कोई चार्ज लगाए उन्हें काम से रोक दिया है, उनके गेट पास छीन लिए हैं या गेट पास रिन्यू नहीं कराए हैं। ये भी एक विषय है। ये जो कदम उठाया है ठेकेदारों के द्वारा निष्कासन का गैरकानूनी तरीके से, ये उसी उद्दापन के क्रम में उठाया हुआ एक कदम है जो जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं।